गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है क्लास 8th के लिए और आज हम पढ़ेंगे सिंपलीफाई। ये हमारा 16th लेक्चर है। सो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 4 प्लस माइनस 1/2 की होल की पावर माइनस 3। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन हमको थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर इसमें डिवीजन है और यहाँ पर इसमें एडिशन है, तो ये यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमको पता है, हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं तो हमको पता है कि जहाँ डिवाइड होगा सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको पुराने वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि जहाँ पे माइनस का साइन होता है एक्सपोनेंट में, तो हम इस नंबर का भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसका जो माइनस का साइन है वो हट जाता है। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, ये डिवाइड का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम ये हो जाएगा इनटू 3 की पावर 4 प्लस, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये माइनस का साइन नहीं रहेगा, सो ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 3। सो सबसे पहला स्टेप हमने ये करा कि हमने इसको जो है इसको डिवाइड को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके लिए भी हमने इसका रेसिप्रोकल करके इसको जो है इसका माइनस का साइन एक्सपोनेंट का हटा दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/2 × 1/2 × 1/2 तो ये यहाँ तक हो जाएगा हमारा। हमने इसको चार बार था तो हमने इसको चार बार लिखा, ये चार बार है तो हमने इसको चार बार लिखा, और ये प्लस में है भी तो हमने भी इसको ओपन नहीं करा क्योंकि ये अभी आपस में इन मल्टीप्लिकेशन में है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81/16 प्लस माइनस 2 × −2 × −2। 81 कैसे आया कि यहाँ पे 4 3 हैं, 1 2 3 4, सो 3 3 9, 9 3 27, 27 × 3 81, और 4 को हम चार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। उसके बाद ये प्लस और 3 जो है, और सॉरी 2 जो है वो 3 बार, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे आगे, सो 2 2 4 4 2 8, सो ये हो जाएगा 81/16 प्लस माइनस 8। सो यहाँ तक हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब हमको इसके नीचे कुछ नहीं है, सो ये हो जाएगा 1। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा इसका 16। सो जो पहला नंबर रहेगा वो तो रहेगा 81, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और जो दूसरा नंबर हो जाएगा 16 को हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो वो 1, क्योंकि यहाँ पे इनटू 16 करना पड़ेगा, एलसीएम मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। सो जो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आपका −128। तो हम जब इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा −47/16। सो ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। सो हमने यहाँ पे ये किया कि सबसे पहले हमने इसका रेसिप्रोकल किया, इसका रेसिप्रोकल किया, और उसके बाद जो ये जो मल्टीप्लाई की जो वैल्यूज़ हैं हमने इनको मल्टीप्लाई किया, और जब ये मल्टीप्लाई यहाँ तक हो गई उसके बाद हमने इस नंबर को −2 की पावर 3 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद इससे एलसीएम लेके हमने ऐड करके फाइनली आंसर निकाल दिया। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंप्लीफाई या इवेल्युएट आप कुछ भी कह सकते हैं। सो ये है ए स्क्वायर माइनस नाइन ए, वेयर ए इज इक्वल्स टू वन बाई टू। यानी हमको ए की वैल्यू वन बाई टू दी हुई है, हमको इस ए की वैल्यू जो वन बाई टू है वो यहाँ रखनी है और इसको सॉल्व करना है। सो हम इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो ये हो जाएगा वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन बाई टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू माइनस एटीन अपॉन नाइन अपॉन टू। इसको हमने ओपन कर दिया और इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सो नाइन इंटू वन विल बी नाइन और टू वापस आ जाएगा और यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर माइनस नाइन अपॉन टू। सो ये यहाँ तक आ गया। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, यहाँ पे फोर है और यहाँ पे टू है, तो इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आ जाएगा फोर, इसका एलसीएम आएगा फोर, तो ये हो जाएगा वन और यहाँ पे हम नाइन में इंटू टू करेंगे फोर बनाने के लिए, यहाँ टू मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस एटीन। सो ये हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस सेवनटीन अपॉन फोर। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। से इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको हम कुछ लॉस के बेसिस पे करेंगे, तो मैं आपको कुछ लॉस लिखवा रहा हूँ, सबसे पहले उनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में। तो ये हमारे चार लॉज हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो लॉ है वो है ए अपॉन बी की पावर एम इंटू ए अपॉन बी की पावर एन।
इज इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर एम प्लस एन, यानी कि अगर दो नंबर जो कि बिल्कुल सेम हो, दो रैशनल नंबर, यहाँ भी ए अपॉन बी है, यहाँ भी ए अपॉन बी हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, लेकिन इनकी पावर्स अलग अलग हो, यानी कि इधर एम है इधर एन है, मतलब पावर्स अलग होंगी लेकिन ये नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे और बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन दोनों को हमको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, इसका हो जाएगा ए अपॉन बी की पावर एम प्लस एन। नेक्स्ट है हमारा ए अपॉन बी की पावर एम डिवाइडेड बाई ए बाई ए अपॉन बी की पावर एन। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे डिवाइडेड है, तो अगर जब यहाँ मल्टीप्लाई था तो पावर्स ऐड हो रही थी, जब डिवाइड होगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि नंबर्स माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट है ए अपॉन बी की पावर एम के होल की पावर एन, यानी इस एम की, ये जो एम जो है ए अपॉन बी की पावर है और इसकी भी पावर एन है, यानी इस जो एन है ये इस एम की भी पावर है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए अपॉन बी की पावर एम इंटू एन, यानी हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा जो है वो है ए अपॉन बी की पावर एम इंटू सी अपॉन डी की पावर एम। अब ये देखिए यहाँ पे कि ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, ए अपॉन बी और यहाँ सी अपॉन डी, ये अलग अलग नंबर हैं लेकिन इनकी पावर्स एक जैसी हैं, सो इनको हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हम जो है इनकी कॉमन निकाल लेंगे। सो ये चार जो हैं ये लॉज हैं, आगे का पूरा चैप्टर हम इन्हीं के बेसिस पे करेंगे, सो आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पे 5 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 3। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे 5 अपॉन 3 है, यहाँ पे भी 5 अपॉन 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है, सो इसको हम जो सॉल्व करेंगे इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए अपॉन बी की पावर एम प्लस एन की आइडेंटिटी हम लगा देंगे, तो ये सिंपल सा हो जाएगा 5 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 3। सो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 अपॉन 3 की पावर 5। सो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करना सीखा, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखे और उसके बाद हमने एक पहला जो लॉ है उस पर एक क्वेश्चन भी करा हमने। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।